अगर फ्रेंड्स आपके पास है Realme का 9 और इस फोन में आपको 3-बटन नेविगेशन की सेटिंग करना है तो मैं आपको बताऊंगा कैसे कर सकते हैं। इनको हटाकर इस फोन में आप जैसे नेविगेशन को लगाना चाहते हैं तो उसके बारे में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। चलिए फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करते हैं। आप अपनी फोन की सेटिंग को ओपन कर लीजिए। सेटिंग ओपन करते ही यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप से इसका इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब स्क्रॉल करके आप नीचे की ओर आ जाइए तो कन्वेंस टूल्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करके नेविगेशन देखने को मिलेगा, यहाँ जाएंगे। यहाँ जाने के बाद मैं आपको एक और सेटिंग के बारे में बताऊंगा। जैसे कि आप यहाँ पर जैसे नेविगेशन लगाते हैं तो आप इनसे जैसे नेविगेशन से अपने जो ऐप्स होते हैं उनको भी एक्सेस कर सकेंगे। तो चलिए उसके बारे में जानना तो कंप्लीट देखिए वीडियो। तो जैसे पर क्लिक कीजिए, यहाँ पे इसके बारे में जानना चाहते हैं तो लर्न पर क्लिक करके जान सकते हैं। आप पहले से जानते हैं किस तरीके से यूज होता है तो इसको कैंसिल कर दीजिए। तो आपके सामने नीचे से बटन गायब हो जाएंगे और जैसे नेविगेशन सेट हो जाएंगे। इसके बाद अब आपको एक नीचे लाइन होती है इसको भी हटाना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को यहाँ से इनेबल कीजिए तो लाइन भी आपकी गायब हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा स्विच टू प्रीव्यू ऐप्स, इस ऑप्शन को जरूर से इनेबल कीजिए। चलिए ये काम कैसे करता है इसके बारे में आपको और बता दूं। सिंपली जैसे कि अभी आप सेटिंग में, सेटिंग से पहले जो एप्स आप चला रहे थे उसमें वापस जाना चाहते हैं तो यहां पर क्लिक कराइए इस तरीके से, तो आप उस एप्स में वापस चले जाएंगे। जैसे कि अभी मैं आपको दिखा देता हूं, जैसे कि मैं यहां मैसेंजर में आ गया हूं और मैं वापस सेटिंग में जाना चाहता हूं तो इस तरीके से क्लिक करूंगा तो देख सकते हैं सेटिंग में आ चुके हैं। अब वापस से आप मैसेंजर में जाना चाहते हैं तो यहां इस तरीके से क्लिक कराइए तो आप वापस मैसेंजर में आ जाएंगे। तो इस तरीके से आप यहां पर जेस्चर का भी यूज कर सकते हैं। यहां आपको देखने को मिलेगा वाइब्रेट ऑन बैक नेविगेशन, इस पर सेलेक्ट कर देंगे तो आप बैक बटन के लिए प्रेस करेंगे तो आपका फोन वाइब्रेट होगा। तो इस तरीके से आपको ये जेस्चर्स की सेटिंग भी देखने को मिल जाती है।